गन्ने की ट्रॉली के नीचे दबकर उबरते हुए वॉलीबॉल खिलाड़ी की हुई मौत, एक अन्य किशोर हुआ घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेहर थाना क्षेत्र के गांव छजमलवाला निवासी प्रमोद ठाकुर अपने दो पुत्रों दीपक केशव व एक अन्य रोहतास पुत्र अजय कुमार के साथ अफजलगढ़ चीनी मिल में गन्ना डालने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गांव मोहम्मद अलीपुर पट्टा घाट के पुल के नज़दीक विपरीत दिशा से आ रही बाइक को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में गन्ने की ट्राली पर सो रहे केशव व रोहतास गन्ने से भरी ट्रॉली के नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत करके गन्ने के नीचे दबे दोनों किशोरों को बाहर निकाला और CHC अफजलगढ़ में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने केशव को मृत घोषित कर दिया और रोहतास को हालत नाजुक बताते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। किशोर की मौत होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।